जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नल और टंकी। ये चैप्टर आपके हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि जब तक इस चैप्टर के हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीख लेते हैं तब तक ये चैप्टर नहीं बन पाता है हमसे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आप लोगों को शुरू से लेकर अंतिम तक इस क्लास में बने रहना है ताकि हर एक टाइप के प्रश्न आपसे इस चैप्टर के अंदर बन जाएँ। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से ही हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहां पर ट्रिक भी सीखेंगे। सवाल पहला क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं यहां पे, है ना। पहला सवाल दिया है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर, है ना। ए व बी पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे एवं 15 घंटे में भरते हैं, तो दोनों साथ में उस टंकी को भर सकते हैं कितने घंटे में। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर दो टंकियां हैं, दो टंकी, एक टंकी ए है और दूसरी टंकी क्या है दोस्तों, बी है। जो ए टंकी है ये कितने घंटे में भर सकती है टंकी को, 10 घंटे में, और जो बी टंकी है ये भर सकती है टंकी को 15 घंटे में। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इसको ध्यान से समझिए, इस चैप्टर को, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग जब सवालों को सॉल्व करते हैं तो हम लोग समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क जैसे ही करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस आपके इफ़िशियंसी पर आती है, उसको भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टंकी ए है, पाइप ए है, वो 10 घंटे में भर सकती है और पाइप बी जो है वो 15 घंटे में भर सकती है टंकी को। सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे टोटल कैपेसिटी, टोटल टाइम एंड वर्क में हम लोग टोटल वर्क निकालते थे, यहाँ पर निकालेंगे टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब कि टंकी की क्षमता, है ना, टंकी की क्षमता। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, या फिर एक ऐसा नंबर यहाँ पर लेंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, है ना। क्या करना है हमको, 10 और 15 इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या लेनी है, या फिर डायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, हम लोग लेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसके इफ़िशियंसी की। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि एक घंटे में कितना भरा जा सकता है टंकी, या एक घंटे में कितना खाली किया जा सकता है पाइप ए और पाइप बी द्वारा। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आपकी इफिशियंसी हो जाएगी। इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं। देखिए इफिशियंसी निकालने के लिए भाई, यहां पर टंकी की टोटल क्षमता 30 है और पाइप ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, 30 बटे 10 कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा कितना, 3। यानी पाइप ए जो है 3 घंटे में उस टंकी को, मतलब एक घंटे में 3 लीटर भर रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 30 बटे 15, यानी कि 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब ये कह रहा है प्रश्न में, दोनों साथ में उस टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं, ये आपको निकालना है। दोनों साथ में अगर भरे दोस्तों, देखिएगा समय आपको पूछा गया है कि कितने घंटे में भर सकते हैं, यानी कि टाइम निकालना है। तो टोटल कैपेसिटी यानी कि भरना कितना है हमको, 30 लीटर भरना है, 30 लीटर भरना है, और ये दोनों भर रहे हैं तो एक घंटे में दोनों कितना भरेंगे भाई। पाइप ए जो है एक घंटे में 3 यूनिट भर रहा है और पाइप बी जो है एक घंटे में 2 यूनिट भर रहा है, यानी एक घंटे में दोनों मिलाकर कितना यूनिट भरेंगे। यहाँ पर टोटल दोनों को हो जाएगा 5 यूनिट, 3 और 2, तो 5 से इसको कर देंगे डिवाइड, ये आ जाएगा आपका 6 घंटे। यानी 6 घंटे में अगर दोनों पाइप भरेंगे उस टंकी को तो 6 घंटे लगेगा दोस्तों। आपके ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर लिखा गया है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक सा सवाल था आपका, इससे आगे जब हम लोग चलेंगे तो आपको बेहतरीन सवालों को देखने को मिलेगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्लास को पूरा करिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। ये तो क्लियर हो ही गया होगा, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे अपने देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहां पर अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि एक पाइप 12 घंटे में एक तालाब को भरता है और एक पाइप उसे 18 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो कितने समय में वह तालाब भर जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दो पाइप, है ना। एक पाइप ए नाम दे देते हैं और दूसरे पाइप को बी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक पाइप आपका भर रहा है उस तालाब को और एक पाइप आपका खाली कर रहा है,
है ना, दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ये भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा था। पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा कि दोनों पाइप भर रहे थे, यानी कि ये पाइप भी भर रहा था और ये पाइप भी उस टंकी को भर रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं दोनों, है ना। तो ये जो है कितने घंटे में भर सकता है, ये तालाब को 12 घंटे में भर सकता है, और ये खाली कितने घंटे में कर सकता है, आपका 18 घंटे में कर सकता है। साफ साफ यहाँ पे कहे ना कि ये जो है पॉजिटिव काम कर रहा है, भरने का काम कर रहा है, और ये खाली करने का काम कर रहा है, यानी नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो उस तालाब की टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे, यानी कितना लीटर, कितना यूनिट पानी उसमें टोटल आएगा। 12 और 18 का ले लीजिए क्या एलसीएम, तो 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36, 36 से दोनों कैंसिल, 36 जो है दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो 36 इसका आ गया एलसीएम, यानी टोटल कैपेसिटी, ठीक है। अब आगे सुनिए, इसकी इफिशियंसी, पहले पाइप की इफिशियंसी कितनी होगी, 36/12, तो 12 × 3 = 36 होता है, यानी कि 3। इस वाले पाइप की इफिशियंसी 36/18, यानी कि हो जाएगा 2। अब मेन बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब हम इफिशियंसी लिखते हैं तो जो टंकी भर रही है उसको पॉजिटिव में रखते हैं उसकी इफिशियंसी, और जो टंकी खाली कर रही है, जो पाइप खाली कर रहा है टंकी को या फिर तालाब को, किसी भी चीज़ को, तो उसकी इफिशियंसी हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, जो पाइप खाली करेगा उसको नेगेटिव, उसकी इफिशियंसी कितनी ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे दोस्तों, बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है, कब, जब आपके दोनों पाइप खुले हुए हों, यानी दोनों मोटर चल रहे हों, ठीक है। बोला है ना आपको सवाल में, यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो कितने समय में वह तालाब भर जाएगा, यानी दोनों पाइपों से एक साथ काम करवाया जा रहा है, बताइए टोटल कितना यूनिट भरना है आपको, यहाँ पे 36 यूनिट आपको पानी भरना है। देखिए एक घंटे में ये 3 यूनिट भर रहा है, तो एक घंटे में ये 2 यूनिट खाली कर दे रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, है ना, दोनों काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 - 2 एक हो जाएगा, ऐसे समझिए ना। यहाँ पे भाई एक घंटे में ये 3 यूनिट भर रहा है, और जबकि ये खाली करने का काम कर रहा है, तो जैसे ये 3 भरेगा ये 2 खाली कर देगा, यानी कि बचेगा तो एक ही यूनिट ना, एक घंटे में सिर्फ एक यूनिट भरा पाएगा, तो एक घंटे में एक यूनिट डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, आ गया कितना आपका टोटल यहाँ पे 36, तो 36 घंटे लगेंगे दोस्तों उसको पूरा भरने में, उस तालाब को, जब यहाँ पे दोनों पाइप खुले हुए हों, है ना, दोनों पाइप खुले हुए होंगे तो 36 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल भी इंटरेस्टिंग सा, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा समझना है, बस इस चीज़ को समझ गए तो सवालों को आप लोग आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। कह रहा है एक पंप एक टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, टैंक में एक लीक होने के कारण टैंक भरने में 2 / 1/3 घंटे लगते हैं, लीक भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। ध्यान से समझिए, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक हम यहाँ पे बना देते हैं, ये टैंक है, इसको एक मोटर, एक पाइप जो है ये भरने का काम कर रहा है, जो भरने का काम कर रहा है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ए। यहाँ पे एक लीक है नीचे, ये क्या कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है, तो ये भी तो काम ही कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी। अब यहाँ पर दो पाइप हो गए, एक पाइप आपका भर रहा है और एक पाइप खाली कर रहा है, है ना। सवाल पढ़िए, जो टैंक भरने वाला काम कर रहा है पाइप, उसका ए है, और ये ए जो है कितने घंटे में भर सकता है, तो आपका 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। कह रहा है टैंक में लीक होने के कारण, लीक होगा तो भाई लीक होगा तो दोनों काम करेंगे, यानी ये इधर से भर रहा है और ये इधर से निकलते हुए जा रहा है, छेद है ना, लीक का मतलब छेद हो रहा है, तो यहाँ पे ये भर रहा है और ये इधर निकल रहा है, यानी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो दोनों जब एक साथ काम करेंगे, यानी ए प्लस बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तब उस टंकी को भरने में कितना समय लग जा रहा है दोस्तों, उस टंकी को भरने में 2 / 1/3, 2 / 1/3 का मतलब होता है 7/3, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। टोटल कैपेसिटी निकाल लीजिए, या फिर टोटल वर्क भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। नीचे वाले को छोड़िए, ऊपर का यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 2 का और 7 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर आपका 14, ठीक है, टोटल आपको 14 यूनिट यहाँ पे पानी भरना है। अब निकाल लेते हैं क्या इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी इसकी, 14/2, यानी कि 7 पाइप ए की इफिशियंसी 7 आ गई,
इसकी एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 14/7/3, ऐसे करिए ना, कितना हो जाएगा 14/7/3, 14 से ये 7 तो कट जाएगा है ना, 7 × 14 और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा दोस्तों। तो इसको इससे डिवाइड करने पर आपका आ गया कितना, 6। अब साफ देख सकते हैं कि ए की इफिशियंसी 7 है और ए प्लस बी यानी दोनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना है, 6 है यहाँ पर। तो देखिए ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 है, ए की इफिशियंसी 7 है, तो बी का इफिशियंसी अगर निकालना चाहें, यानी कि ये जो खाली करने का काम कर रहा है, लीक जहाँ से हो रहा है, ये अगर खाली करने का काम कर रहा है तो एक घंटे में कितना खाली कर देगा, है ना, इफिशियंसी निकल ले, तो 6 और ए उधर जाके घटेगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, 7 आई है ना यहाँ पर, ए की इफिशियंसी 7 है, 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। बी की इफिशियंसी -1, माइनस हमको क्या बता रहा है, माइनस हमको बता रहा है कि भाई हम खाली कर रहे हैं, माइनस खाली कर रहा है, एक घंटे में एक यूनिट पानी ये खाली कर दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर टंकी भरी हुई है, भरी हुई टंकी को ये जो लीक है कितने घंटे में खाली कर देगा, हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको निकालना है टाइम, यहाँ पे टाइम है ना, टोटल खाली कितना करना है आपको, 14 यूनिट खाली करना है, ठीक है। खाली कौन कर रहा है, तो खाली बी कर रहा है, यानी एक घंटे में एक यूनिट खाली कर रहा है, एक घंटे में एक यूनिट खाली कर रहा है, तो 14 यूनिट को खाली करने में कितना लगेगा, सीधे सीधे आपका 14 घंटे लग जाएगा। 14 घंटा आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऐसे ही बेहतरीन सवालों को करेंगे। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है, पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं है ना, प्रश्न में कहा जा रहा है दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 25 और 40 घंटों में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटों में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। एक बार चाहें तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। सवाल बहुत बढ़िया है, कह रहा है दो पाइप टंकी को अलग अलग 25 घंटे और 40 घंटे में भर देते हैं। देखिए यहाँ पे दो पाइप हम लोग मान लेते हैं, पाइप ए और पाइप बी, ये भर रहा है कितने घंटे में, 25 घंटे में, और ये भर रहा है उसको 40 घंटे में, ठीक है। एक तीसरा पाइप भी है सी, है ना, जो खाली करने का काम कर रहा है और वो खाली कितने घंटे में कर देता है, इस पाइप सी का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये कितने घंटे में खाली कर दे रहा है, 16 घंटे में आपका खाली कर दे रहा है, ठीक है। जब टैंक पूरी तरह से भरा हो, अब यहाँ पे काम क्या करना है, हमको टोटल कैपेसिटी निकाल लेनी है। टोटल कैपेसिटी टंकी की, टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बताइए, 25, 40 और 16, इन सब का क्या लेना है हमको, एलसीएम लेना है दोस्तों, क्या लेना है हमको, एलसीएम लेना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पे 25, 40 और 16 इसका जो एलसीएम है, अगर हम कहें तो 400 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, या फिर 200 अगर लेंगे तो 200 नहीं होगा, 400 लेना पड़ेगा, है ना, 400 आ जाएगी इन सभी की, क्योंकि 400 जो है इन सभी से कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, और आपका यहाँ पे इससे भी 40 से भी कट जाएगा, 16 से काट के काटना चाहें तो काट सकते हैं, है ना, 16 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लेते हैं, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी बताइए, 400/25 कितना होगा, 25 × 100, 4 × 16 ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 400/40 यानी कि 10 आ जाएगा, और 400/16 यानी कि 25 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सबकी इफिशियंसी आ गई, लेकिन जो पाइप सी है ये खाली करने का काम कर रहा है, तो जब खाली करने का काम कर रहा है इसलिए इसकी इफिशियंसी जो है वो हम लोग नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, देखिएगा टाइम निकालना है आपको, टाइम निकालना है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 400, टोटल आपको 400 यूनिट पानी भरना है, ठीक है। तीनों टैंकों को एक साथ काम में लिया जा रहा है, तीनों पाइपों को एक साथ काम में लिया जा रहा है, यानी कि तीनों को एक साथ खोलेंगे, तो ये एक घंटे में 16 यूनिट भर रहा है, ये 10 यूनिट भर रहा है, लेकिन ये 25 यूनिट खाली कर दे रहा है, ये क्या कर रहा है, 25 यूनिट खाली कर दे रहा है, तो ये 25 यूनिट खाली कर दे रहा है। अब देखें
कितना हो जाएगा टोटल, अगर तीनों की इफिशियंसी हम लोग देखें तो तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी 16, 10, 26, 26 और माइनस 25 करेंगे तो एक आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक और ये हो जाएगा आपका 400 घंटा, 400 घंटे में भरेगा दोस्तों। लेकिन आपके ऑप्शंस में दिन में दिया गया है ना, दिन में आपको दिया गया है, तो दिन में इसको कन्वर्ट करने के लिए, घंटे को दिन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 400/24 है ना। इसको काटेंगे हम लोग तो पहले तो अपन लोग यहाँ पे 8 से काट देते हैं, है ना, 8 से काटेंगे तो 8 × 5 = 40 और 8 से इसको काटेंगे 8 × 3 = 24 है ना। 3 से फिर काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 3 = 48 है ना, 16 × 3 = 48 और बचा 2, 2/3, 16 सही 2/3, इतना दिन दोस्तों है ना, इतना दिन। अब देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन से, ऑप्शन से यहाँ पर निकालिए है ना, ऑप्शन से निकालेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा 16 दिन और 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3 दिन, दिन से इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काटिए इसको कितना हो जाएगा, ये आपका 8 और ये 8 × 2 = 16, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 दिन और यहाँ पे 16 घंटे है ना, 16 दिन और 16 घंटे ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, थोड़ा ये सा यहाँ पे फंसाया था क्योंकि आपके घंटे में आया था ये और लेकिन ऑप्शन में आपको दिन में दे रखा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे ही प्रश्नों के साथ, देखिएगा अगला प्रश्न। अब दोस्तों यहाँ पर जो सवाल करने जा रहे हैं ये सवाल बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा, है ना, ध्यान से सुनिए। प्रश्न ये कह रहा है रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है, जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक टैंकर जो है ए, ये कितने घंटे में भर सकता है, कितने घंटे में भर सकता है उस तालाब को, जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है ना, ये जो है 4 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कुछ ना कुछ मान लीजिए, टोटल कैपेसिटी यही मान लीजिए है ना, मान लीजिए कि टोटल कैपेसिटी उस जलाशय की 4 यूनिट है, टोटल कैपेसिटी हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि इससे कट जाए, है ना, तो 4 जो है 4 से तो कट ही जाएगा इसलिए हमने 4 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कह रहा है इस सवाल में जलाशय आधा भरने के बाद अच्छा कैपेसिटी कितनी आ जाएगी इसकी, सॉरी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4/4 यानी कि 1 यूनिट, 1 घंटे में ये 1 यूनिट भर रहा है। अब कह रहा है आधा भरने के बाद तो आधा कब भरेगा भाई, 4 घंटे में पूरा भर जा रहा है तो 2 घंटे में आधा भरेगा कि नहीं भरेगा, यानी दो घंटे ये चल चुका है, पहला जो टैंकर है वो जलाशय को 2 घंटे भर चुका है। ठीक है, 2 घंटे भर चुका है और 1 घंटे में तो 1 यूनिट काम करता है, यानी कि 2 घंटे में वो कितना यूनिट भर चुका होगा, 2 यूनिट भर चुका होगा दोस्तों, है ना, आधा भरने की बात हो रही है। या फिर डायरेक्टली देख सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी 4 यूनिट है तो आधा भरने का मतलब क्या, 2 यूनिट भर चुका होगा, है ना, कितने घंटे में, 2 घंटे में। ये आपका आर है, टाइम है, घंटा है और ये इसकी इफिशियंसी है और ये आपका कितना यूनिट भरा गया है। ठीक है, अब सुनिए, कह रहा है तीन टैंकर और आ गए इसी तरह के तो यहाँ पे तीन टैंकर और ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं, 3 टैंकर आ गए। अच्छा, सेम टू सेम टैंकर है यानी कि इफिशियंसी सबकी सेम होगी, इसकी भी इफिशियंसी कितनी है, 1 हो जाएगी क्योंकि इसका इफिशियंसी 1 था, इसका भी, सी का भी इफिशियंसी 1, डी का भी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहा है देखिए 2 यूनिट तो पहले ही भर चुका है, बचा कितना होगा आपका सिर्फ 2 यूनिट भरने के लिए क्योंकि टोटल 4 यूनिट है, 2 यूनिट पानी भरने के लिए बचा है। इस 2 यूनिट पानी भरने के लिए अगर चारों को एक साथ खोला जा रहा है क्योंकि ये तो पहले से काम कर ही रहा था, ये टैंकर भर ही रहा था, 3 टैंकर और आ गए यानी कि चारों टैंकर अब काम करने लगे होंगे, तो चारों का अगर टोटल एफिशिएंसी देखा जाए तो 1, 1, 1, 1 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम है ना, टाइम इस बचे हुए को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4 है यानी ये आ जाएगा 1/1/2 घंटे, 1/2 घंटे का मतलब कितना होता है,
30 मिनट दोस्तों, 30 मिनट होता है। अब आपके ऑप्शन में कहेंगे कि 30 मिनट तो दिया ही नहीं है, है ना, 30 मिनट तो दिया ही नहीं है। वो कुल टाइम पूछा है दोस्तों, क्या बोला है कि कुल कितना समय लगेगा। भाई 2 घंटे तो ये पहले से भर चुका था और बचा हुआ को 30 मिनट और लगेगा भरने में, यानी कि 2 घंटा पहले भरा था और फिर 30 मिनट में ये चारों मिलाकर उसको भर दिए, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे यहाँ पे ये आपका घंटे में है ना, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट आपके फोर्थ ऑप्शन में है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं कि कितना यूनिट भरा था, उसमें से कितना भर गया, आधा भर गया तो कितना बचा है भरने के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐसा एक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और एक ऐसा ही प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला है आपको सवाल में बोला है कि नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 और 20 घंटे में भरते हैं। नल सी जो है भरे हुए टैंक को 10 घंटों में खाली करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 नल हैं, ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। ए जो है 5 घंटे में भर सकता है और ये आपका 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 10 घंटे में, हाँ 20 घंटे में, है ना, 20 घंटे में, यहाँ पे 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जो नल सी है, नल सी क्या कर रहा है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो नल सी है ये 10 घंटे में आपका खाली कर सकता है। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी निकाल लीजिए यहाँ पर, 5, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा, है ना, 20। इफिशियंसी कितनी आ गई तीनों की, इफिशियंसी आ गई 20/5, इसकी इफिशियंसी आ गई 4, 20/20 इसकी आ गई 1 और 20/10 इसकी आ गई 2। ये खाली करने का काम कर रहा है इसलिए इसकी इफिशियंसी हम लोग निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगा, यानी टाइम आपको निकालना है, कितना यूनिट पानी भरना है टोटल, उस टंकी में कितना समा सकता है, 20 यूनिट, तो 20 ऊपर हो जाएगा डिवाइड, तीनों को एक साथ खोला गया यानी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों टंकियां, तीनों पाइप, तीनों नल, तो 4 × 5, 5 − 2 कितना हो जाएगा, 5 − 2 करेंगे तो आ जाएगा 3 आपका, यानी कि ये तो भरने का काम कर रहे हैं, 2 भरने का काम कर रहा है, एक खाली करने का काम कर रहा है, तो 1 घंटे में ये 5 यूनिट भर तो देंगे लेकिन ये 1 ही घंटे में 2 यूनिट खाली भी कर देगा, यानी बचेगा कितना, सिर्फ 3 यूनिट बचेगा, है ना, तो 1 घंटे में 3 यूनिट भरा पा रहा है, तो डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, तीनों की टोटल एफिशिएंसी, इसको डिवाइड करिए आपके ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है, हाँ यही चीज़ दिया है, बस इतना ही दिया है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है इसको, है ना। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे देता है, जैसे देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा, 6 × 18 = 2 और 3, 6 सही 2/3, ये भी आपका सही है लेकिन आपके ऑप्शन में ये चीज़ दिया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग देखिएगा क्या होगा, डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आ रहा है दोस्तों आपके सामने एक जबरदस्त प्रश्न, बहुत ही शानदार है, ध्यान से इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है इनलेट पाइप पी, इनलेट पाइप का मतलब होता है जो पाइप टंकी को भर रहा है, इनलेट और आउटलेट, आउटलेट का मतलब जो खाली करेगा, है ना, और जो भर रहा है उसको इनलेट पाइप बोलेंगे। इनलेट पाइप पी जो है किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप क्यू 6 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है, ये प्रश्न में बोला है। यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है तो टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी, टैंक को खाली करने के लिए, है ना, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे एक पाइप है P और एक पाइप है Q, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये कितने घंटे में भर सकता है, तो ये आपका भर सकता है 7 घंटे में, ये आपका 7 घंटे में भर सकता है लेकिन ये 6 घंटे में खाली भी कर सकता है ना। टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, देखिए इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम तो कितना होगा, 7 और 6 का एलसीएम, 6 × 7 = 42 हो जाएगा। इफिशियंसी बताइए तो इन दोनों का इफिशियंसी कितना होगा, 42/7 यानी 6, 42/6 यानी कि 7, ये तो आपका खाली करने का काम कर रहा है यानी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब सुनिए क्या कह रहा है, यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है, देखिए पी जो है ये क्या काम करेगा, भरने का काम करेगा,
भरने का काम करेगा, है ना। तो क्या करेगा ये भर दिया, मान लीजिए ये क्या किया, भर दिया, कितने घंटे, एक घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, तो 3 घंटे तक खोला गया, तो एक घंटे में 6 यूनिट, तो 3 घंटे में कितना भरेगा ये, आपका 18 यूनिट भर लेगा, ठीक है। 18 यूनिट क्या करेगा, ये भर देगा दोस्तों, है ना। 18 यूनिट 3 घंटे तक पहले खोला जा रहा है, यदि केवल पी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भरा कितना है यहाँ पे, 18 यूनिट भर चुका है, टंकी में जो पानी है वो कितना भर चुका है, 18 यूनिट भर चुका है। तो यहाँ पे टंकी आपका कितना भर चुका है, टंकी आपका 18 यूनिट भर चुका है, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, है ना। टंकी आपका कितना भर चुका है यहाँ पे, 18 यूनिट, टोटल कैपेसिटी कितनी थी 42 यूनिट की, 18 यूनिट मान लीजिए यहाँ पर भर चुका है, ठीक है। भरा कितना है, 18 यूनिट। अब कह रहा है दोनों को साथ में खोल दिया जाए, यानी जो खाली कर रहा है जो भर रहा है दोनों को साथ में, तो दोनों को साथ में जब खोलेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6 - 7 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ खाली करने का काम होगा दोस्तों। अब क्या होगा, ये माइनस हमको क्या बता रहा है, अब सिर्फ खाली करने का काम होगा। कैसे, देखिएगा भाई, ये 6 यूनिट भरेगा तो ये 7 यूनिट खाली कर देगा, माने 1 यूनिट ज़्यादा खाली कर देगा, है ना, यानी कि 1 यूनिट खाली होगा, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली होगा। तो अब इससे ऊपर बढ़ेगा नहीं पानी, 18 यूनिट तो भर चुका था पहले 3 घंटे में, अब इससे आगे भरेगा नहीं, बाकी ये खाली होगा, है ना। तो खाली होगा तो भाई टाइम पूछा है ना, टाइम कितने घंटे में खाली होगा, 18 यूनिट पानी भर चुका था, 18 यूनिट पानी भर चुका था, और 1 घंटे में जब दोनों को खोल रहे हैं तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका, 18 घंटे। यानी कि जो भरा हुआ पानी है उसको खाली करने में, आपको सवाल में बोला ही था कि खाली करने में के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी, तो कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे लग जाएंगे दोस्तों। डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, ये नहीं कि आप लोग टोटल कैपेसिटी को यहाँ से डिवाइड कर दे तो 42 घंटा आ जाए, ऐसा नहीं करना है आपको, थोड़ा सा सवाल को समझना है। यहाँ पर कितना भरा था, 18 घंटे भरा था, अब आ गया निगेटिव, यहाँ पे दोनों का अगर खोलेंगे तो निगेटिव आ गया, यानी अब सीधे सीधे भरने खाली करने का काम होगा, भरने का काम नहीं होगा, यानी कि इसका लेवल जो है ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, अब इससे नीचे ही आएगा, यानी खाली होगा। 18 यूनिट पानी भरा था, उसको खाली करने में 18 ही घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है, -1, है ना। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक सवाल यहाँ पे हम लोग और करते हैं, और वो भी आपका सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ज़बरदस्त प्रश्न है ना, लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। देखिए क्या बोला है, एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप हैं जिससे क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में उसे पूरा भरा जा सकता है ना। 2 पाइप यहाँ पे भरने का काम कर रहे हैं, 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। आगे पढ़िए, एक निकासी पाइप से पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, टैंक का शेष भाग इतने घंटे में भरा जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 पाइप यहाँ पर भरने का काम कर रहे हैं, एक पाइप पी ले लेते हैं, एक पाइप क्यू ले लेते हैं, ये दोनों पाइप भरने का काम कर रहे हैं, कितने कितने घंटे में, ये 4 घंटे में भर सकता है और ये आपका 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कह रहा है एक और पाइप है, निकासी पाइप, जो कि खाली करने का काम कर रहा है, निकासी पाइप को हम लोग आर मान लेते हैं, और ये खाली कितने घंटे में कर सकता है, 8 घंटे में आपका खाली कर सकता है। टोटल कैपेसिटी निकाल लीजिए, टोटल कैपेसिटी सबसे पहला काम हमारा यही होता है, टोटल कैपेसिटी निकालना, क्योंकि ये जब निकाल लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, एफिशिएंसी भी आ जाती है और सारा जो कुछ पूछा है वो भी आ जाता है। ठीक है, कितना होगा, 4, 6 और 8 इनका एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। एफिशिएंसी निकालिए कितना होगा, 24/4 यानी कि ये हो जाएगा 6, पी की एफिशिएंसी 6, इसकी 24/6 यानी 4, 24/8 यानी कि 3, ये खाली करने का काम कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी नेगेटिव ले लेंगे, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, बहुत गलती होता है इसमें, है ना। जो भी खाली करने का काम कर रहा है उसका तुरंत उसमें माइनस लगाइए, जहाँ भी एफिशिएंसी दिखे खाली करने वाला का तो उसमें माइनस आपको लगा देना है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों को 1 घंटे के लिए खोल दिया गया। ठीक है, टंकी खाली था, 1 घंटे के लिए इन दोनों को खोल दिया गया, तो भाई ये दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में 6 और 4 10 यूनिट ये लोग भर देंगे, कितना भर देंगे, 1 घंटे में दोनों 10 यूनिट भर देंगे, तो 10 यूनिट 1 घंटे में भर चुके हैं, टोटल भरना कितना था, 24,
इस 24 यूनिट में से 10 यूनिट आपका भरा चुका है, तो बचेगा कितना? अब आपको 14 यूनिट और भरना है। और ये 14 यूनिट कैसे भरना है? तीनों पाइपों को खोलकर, यानी तीनों पाइपों से हमको काम करवाना है। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम आपका हो जाएगा, देखिए कितना यूनिट भरवाना है, अब 14 यूनिट भरवाना है, तीनों पाइपों को खोला जा रहा है, यानी तीनों काम करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 माइनस 3, यानी कि टोटल आ गया आपका 7, है ना, 6 4 10 10 माइनस 3 7। तो एक घंटे में ये लोग तीनों मिलकर 7 यूनिट भरेंगे, तो 14 यूनिट भरना है, यानी कि कितना लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएगा दोस्तों। सिंपल तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न था, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला था कि एक घंटे ये लोग चल चुके हैं, है ना। उसके बाद आपको जितना बचा गया है, जितना यूनिट भरना है, उतना यूनिट को हम लोग तीनों से काम करवा के भरवा लेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, फोर्थ ऑप्शन, इसका भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप आज के क्लास में जितने भी सवाल आपको करवाए गए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, और हर एक टॉपिक यहाँ पर इस चैनल के अंदर चल रहा है अच्छे से, मैथ्स आपको सिखाया जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ट्रिक्स, हर एक चीज़, है ना। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप यहां से मैथ्स को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।